अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हाउ टू कुक स्टेक परफेक्ट एवरी टाइम। रानी शेफ इंटरनेशनल ऑफर्स रेस्टोरेंट क्वालिटी रेसिपीज यू कैन इजीली मेक एट होम। इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर कुक, लर्न हाउ टू कुक और जस्ट नीड डिनर लंच आइडियाज फॉर योर फैमिली, दिस चैनल इज फॉर यू। I am taking really good recipes and making them easy recipes that you can make at home in your own kitchen cooking. Push and subscribe and click on bell icon. Click on subscribe and push on meat, beef, chicken, steaks. I had spent 15 years in restaurant field and now how to delicious dishes. It is the best way to cook a steak without a doubt. And if that did not get you, it takes little to no active time. Is all done in a pan and is extremely easy as long as you follow some of these really simple rules. Plus, with Valentine's Day coming around the corner and also because steak is the best, this seemed like a good idea to upload. If you are cooking a steak, दिस रेसिपी इज फॉर यू। अगर आप घर में अच्छी कुकिंग बनाना चाहते हैं रेस्टोरेंट जैसी, मैंने 15 साल रेस्टोरेंट में काम किया है और वहाँ से मैंने रेसिपी सीखी है मुख्तलिफ कि किस तरीके से रेसिपी को कैसे बनाना है, तो मैं आपके सामने सिंपल रेसिपी लेके आ रहा हूँ। आप फैमिलीज के लिए, आपके पास मेहमान आ जाते हैं उनके लिए बनाएं, तो डिफरेंट न्यू रेसिपी के साथ इजी आप अपने किचन में बना सकते हैं सेम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट। तो मेरे स्टेप्स को आप फॉलो करें। तो मैं आज बनाने लगा हूँ चिकन ब्रेस्ट स्टेक जो है, ये आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी, बहुत मज़े की है, डिलीशियस है। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ज़रूर, तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चिकन ब्रेस्ट पीस के दोनों साइड को हमने चॉप्ड कर लेना है इस तरह, बोथ साइड्स चॉप्ड, ये ऐसे इसको ऊपर से कूट देना है ऐसे, बिल्कुल रेस्टोरेंट में इसी तरीके से होता है कि चिकन को पहले जो है, अब इसके ऊपर मैंने साल्ट ये लगा रहा हूँ, ऐसे साल्ट लगा दिया, वहाँ पर भी इसी तरीके से पहले इसको चॉप करते हैं, चॉप करने के बिना नहीं जब बनाई जाती। तो इससे पहले मैंने बीफ स्टेक भी बनाई है, तो वो देख लें। ये सिंपल रेसिपी, ओनली 4 इंग्रेडिएंट, सिरका लगा दिया मैंने, तो अब ये ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स है, 4 इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसको बटर मैंने डाल दिया है पैन के अंदर, ये पैन के अंदर डिश रेडी हो रही है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी ज़रूर इसको ट्राई करें। पैन में डाल दिया है, अब इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, हम 2-3 मिनट एक साइड, फिर हम चेंज करेंगे दूसरी साइड, ये देखिए ऐसे चेंज करेंगे इस तरह, एक के नीचे से जलेगी नहीं सड़ेगी नहीं, लो फ्लेम के ऊपर, ये फ़ायदा है और इसमें ये सही पक जाएगी अंदर से इस तरह। ये इसकी मैं साथ साथ साइड चेंज कर रहा हूँ, इसकी एंगल मैंने चेंज कर दिया ताकि वो साइड भी सही से ब्राउन हो जाए, पक जाए। तो स्टेक के जो भी पसंद करने वाले लवर हैं स्टेक वाले, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उन्हें ये रेसिपी कैसी लगी है और कौन सी वो स्टेक खाना पसंद करते हैं, ताकि मैं वैसी रेसिपी उनके लिए लाऊं। तो मैं खुद बड़े शौक से स्टेक खाता हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि वैसी जो है डिशेज मैं अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो अब लोगों ने क्लीन करके बताना, सोया सॉस डाली अब, तो ये देखे कलर माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत हो गया। अब मैंने इसमें कोरिएंडर को डाल दिया फ्रेश और इसमें गार्लिक फ्रेश जाएगा, ये गार्लिक फ्रेश को ब्राउन करेंगे इसमें,
और ऊपर में स्पून के साथ हम इसके ऊपर जो है ये पेस्ट करते जाएंगे। इसके बाद बटर को हम इसके ऊपर लगा देते जाएंगे और ये पेस्ट इसमें जज़ब होता जाएगा। ये देखने में कितनी लुक खूबसूरत लग रही है, ब्यूटीफुल माउथ वाटरिंग है ना, लुक ब्यूटीफुल, क्या मज़े की डिश लग रही है, खूबसूरत, देखकर दिल खुश हो रहा है। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं बना रहा हूँ इसको। अब ब्लैक पेपर मैंने लगा दिया ऊपर, ये फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, तो अब ये बिल्कुल इस साइड पे भी मैंने ब्लैक पेपर लगा दिया है। अब ये देखें लुक कितनी खूबसूरत आ गई है, डिलीशियस आ गया। आप इसको कट कर पीस को करना चाहे तो कट कर लें, वैसे खाना चाहे तो वैसे कर खा लें। तो ये देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग, सो डिलीशियस। अब मैंने इनको निकाल लेता हूँ प्लेट पे, मैंने खा लिया। अब मैं इसको भी टेक को भी खा लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने वाइट सॉस लगा देनी है। अगर आपके पास वाइट सॉस नहीं है तो आप कोई सी भी केचप जो आप वो ले लें, टमाटो केचप के साथ खा लें, जो भी सॉस आप जो आपको इसमें बेहतर लगे। तो मैं इसमें वाइट सॉस ऊपर लगाऊंगा, ये तो इस तरह क्या लुक बन गई। अब मैं खाकर दिखाता हूँ। इस तरह पीस छोटा सा लिया मैंने और वाइट सॉस साथ लगाई, सो डिलीशियस, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त, क्या बात है, माउथ वाटरिंग है। आप इसको ट्राई करें, खाएं, मज़े से खाएं, एंजॉय करें सर्दी के वेदर को, विंटर वेदर, एंजॉय विंटर वेदर। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, सिंपल रेसिपी है, ओनली 4 इन्ग्रीडियंट्स हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है और बहुत इजी बन जाएगी, आप तवे पे बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़।